मध्य प्रदेश में अब तक के सबसे बड़े सट्टे का हुआ खुलासा। 9 अपराधी गिरफ्तार, भारी मात्रा में नकदी जब्त। मध्य प्रदेश की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी सट्टे के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। बता दें कि उज्जैन क्राइम ब्रांच साइबर टीम व थाना नील गंगा एवं खारकुआ पुलिस ने मिलकर सट्टे के विरुद्ध बड़ी सफलता हासिल की है। बताया गया कि कुछ अपराधी के हाईटेक एप्लीकेशन एवं हाईटेक डिवाइसों का उपयोग कर सट्टेबाजी को अंजाम देते थे। उज्जैन क्राइम ब्रांच साइबर टीम व थाना नील गंगा एवं खारकुआ पुलिस ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए कुल 9 अपराधी को गिरफ्तार किया है। वही एक आरोपी फरार हो गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस को 41 मोबाइल फोन, 19 लैपटॉप, 5 मैक मिनी, 1 आईपैड, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमें, 2 पेन ड्राइव, 3 मेमोरी कार्ड सहित अन्य संचार उपकरण बरामद हुए। साथ ही 15 करोड़ की नकदी सहित भारी मात्रा में विदेशी करेंसी भी जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि वह हाईटेक एप्लीकेशन एवं हाईटेक डिवीजन के माध्यम से सट्टेबाजी का खेल खेलते थे। गिरफ्तार अपराधियों में पंजाब, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के आरोपी शामिल हैं। जेल से क्यों चोपड़ा है, इनके परिवार जन भी इसमें शामिल है, उनको भी हिरासत में लिया गया है। और जैसा मैंने कहा कि अभी आप लोग अप्रिशिएट करेंगे कि अभी पूरी कार्रवाई क्योंकि दो तीन जगह कोऑर्डिनेटेड तौर पर की जानी थी, उसके बाद और इसको डेवलप करके और भी अगर कोई व्यक्ति शामिल पाया जाए, चाहे उज्जैन का हो या आसपास के किसी जगह का, उस पर भी कार्रवाई। सर टीम को कितना रिवार्ड दे रहे हैं से इस लबिश की कार्रवाई को छोड़ा, इसमें हम लोगों ने 9 व्यक्तियों को पकड़ा जो लुधियाना, निम्बाहेड़ा और नीमच के रहने वाले जो कार्य कर रहे थे। और इसके साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में लैपटॉप, मोबाइल फोन, आईपैड जो आप देख ही रहे हैं, और 14,58,00,000 रुपये भारतीय मुद्रा के, और साथ साथ 7 देशों की करेंसी जिसमें कि दिरहम, डॉलर, पाउंड, लाखिया देश की करेंसी, ये सारी करेंसी थी जिनका खुद का वैल्यूएशन जो लाखों रुपये में होगा, ये बरामद किया गया। मुख्य आरोपी जो है पीयूष चोपड़ा जो स्कैम को चलाया थे, वो मिसिंग हो गया है। उसके लिए जो ये पीयूष चोपड़ा जो मिसिंग है, इसके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं, लगातार इसके कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम इसमें जो अन्य एजेंसीज हैं, क्योंकि फॉरन करेंसी की है, बहुत सारे मात्रा में कैश मिला है, उसमें ईडी और आईटी को भी हम इमीडिएटली सूचित कर रहे हैं। और साथ ही साथ एलओसी भी इशू करेंगे पीयूष चोपड़ा के लिए, ये हम अगले 2 घंटे में। जो ये ऑपरेशन है, जैसा ये व्यक्ति जो है विदेश में कई जगह रह के आया है, उन्होंने सारा पीयूष चोपड़ा ये वहाँ से बेसिकली स्ट्रेटिंग प्रोसेस को समझा और ऑपरेट कर रहा है, तो संपर्क के हो सकते हैं। पर वर्तमान के जो ऑपरेटिव हैं तो हमें समझ में आ रहे हैं इन्हीं लोगों के माध्यम से कर रहे हैं। कुछ हो सकता है ये पैसों के ट्रांजेक्शन जो है वो बड़ी करेंसीज में करा देते हो ताकि उसको कैरी करना या उसको अदरवाइज कन्वर्ट करना इनको ईजी होता है। सर इसमें कोई सूचना पे वेरीफाई करने का उद्देश्य भारी मात्रा में कैश प्लस विदेशी मुद्रा। अब इसमें ये वेरीफाई है प्राथमिकता को, अब इसमें नेटवर्क से जुड़े हुए अमुख समूह से लोग हैं, इनका ट्रांजेक्शन किस माध्यम से होता था, ट्रांजेक्शन कौन कौन से मदद करते थे, यानी जिन लोगों ने भी इस वैधानिक कार्रवाई में भाग लिया है उनका कोई रोल नहीं, उन सभी बहुत प्रभावित होते हैं। अभी कितने लोग पकड़े हैं? 9 लोग हिरासत किए हैं, जो लुधियाना, निम्बाहेड़ा का बेटा होता है, उसके परिवार जन मुझे सिलेक्ट कराए, मुझसे पूछताछ की जाए, उसकी जल्दी चीज़ें प्रदर्शन करना चाहिए।